पे पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देंगे सफर जारी रखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आवाज जो है मैच में जरूर कहना चाहूंगा कि ये मेरा पर्सनल आवाज नहीं है, कोई जम्मू कश्मीर को भी इसका आवाज है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीजन ऑफ स्माइल हो, रीजन ऑफ मेंशन हो, एंड बड़ी अच्छी फीलिंग डेफिनेटली। आप बहुत प्राउड फील करते हो, एंड उससे भी ज्यादा भी मुझे खुशी थी कि मेरी डॉटर मेरे को देख रही है, तो जो डॉटर फादर को देख के जब क्लैप कर रही है तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, तो समथिंग मेरे लिए बेस्ट पार्ट। मिट जाते जो मातृभूमि पर, बनते वो इतिहास है, मस्तक शीश झुकाने उनके, झुक जाते आकाश है। ये बात है सन 1873 की, जब एक कोतवाल और 14 थानेदारों के साथ श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की शुरुआत हुई। सन 1913 में पहली बार इंपीरियल पुलिस के ऑफिसर्स का डेप्यूटेशन जम्मू कश्मीर पुलिस में हुआ, और मिस्टर ब्रॉडवे जम्मू कश्मीर पुलिस के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने। 1948 में आजादी के बाद श्री प्रीतिनंदन सिंह जम्मू कश्मीर के पहले इंडियन पुलिस चीफ बने, और पिछले 78 वर्षों में जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स ने तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसे ही कुछ जांबाज ऑफिसर्स जिन्होंने उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता, अद्वितीय साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए कई आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया है, और हमारे आज के गेस्ट एक ऐसे ही जाबाज ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह ना करते हुए अपनी सामरिक युद्ध कौशल का उच्च उदाहरण दिया है। आई एम प्लीज्ड to introduce to you our today's guest, Shaurya Chakra Awardee, Janab Mohan Sharma Ji, Superintendent of Police, Jammu and Kashmir Police. Thank you so much. Welcome to the podcast, sir. Thank you so much. Sir, it's a pleasure ki aapne apne busy schedule mein se waqt nikal ke you came here and gave us this opportunity ki hum aapke illustrious career ke bare mein jane, aapke vyaktitva ke bare mein jane. So it's a pleasure, sir. So, sir, आप अखनूर में, you've been for 2 years, 2 साल से आप अखनूर में हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका अखनूर का? देखिए, मैंने अखनूर में 2022 में सितंबर में मैंने कहा था, और आने से पहले जो मेरे दिमाग में अखनूर था, ऑब्वियसली पॉजिटिव था अखनूर। जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे पता चला कि मेरी प्रायोरिटीज क्या क्या है, और अगर अखनूर के आप कहीं भी जब भी एक्चुअली हमारे में इसको पोस्टिंग या ट्रांसफर या जॉब नहीं बोला जाता, हम इसको सर्विस कहते हैं, जेपीटी, तो इसे सर्विस टू द पीपल एक्चुअली खल्क दुआ है, तो उसी हिसाब से। और अब जब भी कहीं लोगों की सर्विस करने के लिए डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो हर एक जगह के डायनामिक्स डिफरेंट हो। अब कोविड में जब मैंने ज्वाइन करा था तो 1-2 महीने की फैमिलाइजेशन के बाद मेरे को एहसास हो गया था कि यह हमें मेरी प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हमने जैसे एक प्रोग्राम यूथ, जैसे मेरा सभी यहाँ भी मैं सर्व करने जाता हूँ लोगों को, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी जगह की यूथ ही होगी, क्योंकि वो हमारे देश का आने वाला मुस्तकबिल है, और अगर यूथ सही है तो सब सही होना चाहिए। तो उसके रहते हमने एक प्रोग्राम शुरू करा था यूथ कनेक्टिंग कैंपेन, उसके अंतर्गत हमने जितने भी अखनूर में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल है, मेरा फर्स्ट फेज में यही टारगेट था कि मैं सब में खूब पर्सनली जाऊँगा। यहाँ मैं खुद नहीं पहुँच पाया, वहाँ हमारे बाकी इंचार्ज ऑफिसर जो थाना इंचार्ज हूँ या पुलिस पोस्ट इंचार्ज हूँ वो जाएंगे और बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, बिकॉज
किसी भी चीज को जो शुरुआत होती है वो कम्युनिकेशन से होती है। तो कम्युनिकेशन एक वो आपके लिए वो पूंजी है, वो पड़ाव है जो आपने बॉन्ड कराता है, उसी के चलते हमें यूथ कनेक्टिंग कंपनी शुरू कराता है। एंड मुझे बड़ी खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि उस यूथ कनेक्टिंग कंपनी के चलते हुए आज जो हर एक एरिया में हमारा एक यूथ व्यू बना हुआ है और इट वाज अ सक्सेस एक्चुअली। और दूसरी जो चीज है जो मुझे लगी जिसके काम करना था वो था ड्रग्स के ऊपर। हमारी पुलिस की जो स्ट्रेटजी होती है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए डिफेंस, ये दो तरह की होती है, एक आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होती है, दूसरी आपकी एक्टिव स्ट्रेटजी होती है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी मैं मानता हूँ जैसे एजुकेशन है, तो जो ये एजुकेशन बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है और बाकी जितने सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए है। तो वो जो यूथ कनेक्टिंग कैंपेन था इट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी होगी। एंड जो रिएक्टिव जो मैंने आपको कहा कि जो पुलिसिंग होती है, आपको जो बाकी एक्शन लेने होते हैं लाइक पुलिटिव एक्शन जो आपको लगता है कि फेमस लोग, तो वो मैं यहाँ बीइंग लोकल ये अगर आप पब्लिक में आप जाएंगे या कहीं से वो रुझान आएगा तो वो बेटर होगा, आप ये तो बेटर बद तरीके से बता पाएंगे कि वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट अखनूर, बाकी अखनूर इज फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ एनर्जी और कुल मिला के एक आई एम सेटिस्फाइड। ड्रग्स की बात की, अभी हम जिस एक्सेस पे बैठे हुए हैं हमारे इस तरफ गोल्डन क्रेसेंट है, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान इज नोन एज अ हब ऑफ मेथएम्फेटामिन जो वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो आपका सिंथेटिक ड्रग्स है। नॉर्थ ईस्ट में जब मैं था तो वहाँ पे आपका गोल्डन ट्राइंगल है, वहाँ पे लॉन्ग ओनमार थाईलैंड, तो ये सारा जो फॉरेन कंट्रीज के द्वारा जो हमारे देश में ड्रग्स के थ्रू हमें खोखला यूथ को खोखला करने की कोशिश है, एक तो पुलिसिंग का तो रोल सर है ही है, इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कम्युनिटी को रिसर्च करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि आप स्पोर्ट्स में जाएं, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर? लेकिन मैं इसमें स्टार्ट करूंगा कि जैसे अक्टूबर मैंने छोटे थे चैरिटी बिगिंस एट होम, इसलिए मुझे बड़ा इम्पैक्ट था बिकॉज जब हम छोटे थे मैं कॉलेज जाया करते थे तब पेरेंट्स को एक ही डर होता था कि बच्चा कहीं सिनेमा हॉल में ना घुस जाए, तो उस समय लोग गलत काबिल में मिल जाते थे। तो लोग हमेशा कहते थे कि अपने बच्चों को, मेरे पेरेंट्स लोग बात करने में कहते थे कि बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये दो ही चीजें होती थी कि सिनेमा हॉल को बुरा माना जाता था उस समय और आपकी जो सेहत है उसका ख्याल रखना। बट आज की दिन में टाइम आ गया है जब बच्चों को बोला जाए कि बेटा अपनी संगत का ख्याल रखना, तो आपकी कंपनी जो है जो आपको फ्री रूप से वो कहता है इसके बहुत डिपेंड करता है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आजकल तो लैकिंग लगती है सोसाइटी में, मैं जब भी यहाँ जाता हूँ अपने गांव में जाता हूँ तो वहाँ भी बच्चे मेरी फैमिली में जब भी हम स्कूल से आते थे या स्कूल जाते थे वन टाइम भी मुझे आज भी याद है कि मेरी फैमिली में इकट्ठे रहता हूँ, सारे लोग इकट्ठे बैठते थे, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सारे इकट्ठे बैठते थे। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स जॉब सर्विस में हैं दोनों पेरेंट्स अगर उनकी बजाय जो लोग अपनी मजदूरी वगैरह करके भी कर रहे हैं, जब मिडिल क्लास फैमिली में भी बाकी उनके पास भी अपने बच्चों के लिए वक्त है नहीं, तो ये वक्त रहते अगर ये बात जान ली जाए कि आपके बच्चों को दिया हुआ वक्त ही आपका फ्यूचर बनाएगा, तो ये बहुत जरूरी चीज है जो आजकल के सिस्टम में बात है। बाकी चीजों में हम बाद में आएंगे, जैसे आपने बाकी चीजें कही थी बाहर की चीजें, मुझे लगता है कि अगर हम घर की करें तो बाकी चीजें वैसे ठीक हो जाएगी। तो वो मेरी मेरी आपके माध्यम से भी ये जो लोग मुझे सुन पाएंगे उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के साथ घर से दिखाएं, क्योंकि एटलीस्ट एक टाइम का सुना अगर टाइम तो आप पता लगेगा कि बच्चे ने कल क्या किया था खाने के टेबल पे। साइकोलॉजी उसकी समझ है सर, जैसे आपने बात की ड्रग्स की, ड्रग्स के साथ भी जैसे नींद जो भटक जाता है तो वो गलत चीजों में ड्रग्स लेता है तो और भी गलत कामों में, जैसे हम देखते हैं कि वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन जो सीडॉक की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वन आउट ऑफ एवरी थ्री वुमेन दे आर सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ वॉयलेंस। इंडिया में 1/3 ऑफ द चाइल्ड ब्राइड्स हैं जो इंडिया में हैं, तो पर्टिकुलरली जो हमारा ये फीमेल्स का तबका है ये पहले से भी काफी थोड़ा सा ऑप्रेस्ड रहा है, और मुझे लगता है अभी जैसे चेंजिंग टाइम्स हैं, हम एआई के दौर में आ चुके हैं, डीप फेक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें एज अ समाज समाज के तौर पर और एज अ पुलिस ऑफिसर आप क्या समझते हैं किस तरह के हम कदम उठा सकते हैं ताकि हम
यू जो भटक रहे, क्योंकि उसके भटकने से बहुत अलग रैमिफिकेशंस होगी अक्रॉस द बोर्ड, सेफ्टी लूट मार करेंगे, मर्डर्स होंगे, रेप्स होंगे या और भी किसी तरह के जो अपराध होते हैं। तो हमें कलेक्टिवली इन अपराधों को और जो यूथ भटक रहा है, जैसे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम कहते हैं कि हमारा देश वन यंगेस्ट कंट्रीज है, और अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। तो व्हाट इज योर असेसमेंट एंड व्हाट इज योर सजेशन टू दोस पीपल कि हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया था पहले फैमिली से, फैमिली आपका फर्स्ट वो पार्ट होता है, पहला पड़ाव होता है किसी बंदे की लाइफ का, जो उसकी लाइफ को शेप करता है फ्यूचर के। सेकेंड होती है आपकी स्कूल, थर्ड होती है आपकी सोसाइटी, एंड फोर्थ होती है आपकी जो सिविल बात करें। तो ये अगर हम बात करें तो मिला के हर एक स्टेक होल्डर की, जिसको जरूरत है कि वो उसको क्या लगता है आपने, मैं अब फिर मैं गांव में जाऊंगा अपने, क्योंकि बार बार मैं सारी चीजें वही कोर्डिनेट करूंगा, क्योंकि मैं वो जो डिफरेंस देखता हूँ आज 20 साल के बाद, तब के मेरे गांव में और आज के मेरे गाँव में, तब क्या होता था कि मेरा गाँव निश्चित रिया से, तो तब क्या होता था कि अगर गाँव में सपोज करो कि मैं अगर योजना से बुकिंग भी कर रहा हूँ और मैं गाँव के किसी बुजुर्ग को अपने सामने देखते हुए अचानक से आवाज धीमी नहीं हो जाती थी, साफ बंद हो जाती, वो चीज, वो दो चीजें हैं सोसाइटी में, एक होता है आपकी फियर ऑफ रिस्पेक्ट, एक होता है रिस्पेक्ट फिर फियर। तो जो रिस्पेक्ट फिर फियर है वो था, और ये चीजें आपको स्कूल में या फिर मैं आऊंगा कि आपको फैमिली में ही पढ़ाई जानी चाहिए, आप अपने बच्चों को जितना तैयार करेंगे सोसाइटी के लिए। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसी भी इंसान का आज के दौर में अगर सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे कहें तो उसके बच्चे हैं। आप करोड़ों की पूंजी इकट्ठी कर लीजिएगा, मगर अगर आपका बच्चा गलत राह में चला गया है तो आपने अपने आने वाली जनरेशन को खत्म कर दिया होगा। आप करोड़पति होंगे लेकिन वो करोड़ों रुपया आपका किसी काम का नहीं, और उसी के चलते अगर आप एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं, आपके कोई एसेट्स नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, आपके बच्चे अगर सही राह में हैं, तो आप मुझे लगता है वो अपनी सोसाइटी और फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करें, आपकी कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। आपने काफी वैलिड पॉइंट्स को उठाया कि किस तरह से फियर टू रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट टू फियर, वो कॉन्सेप्ट आज कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। जैसे हम, जैसे आपने बचपन की बात की, तो अपने बचपन का अगर हम याद करते हैं तो हम खेला करते थे, स्पोर्ट्स होता था, तब फोन थे ही नहीं, और अभी क्या है कि छोटे छोटे बच्चे ही वो सोशल मीडिया पर इतने एडिक्ट हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो गया, अकेलापन आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दायित्व सबका एक कलेक्टिव दायित्व बनता है। सर, मुझसे पहले आप नगरोटा में भी रहे हैं, 13 सितंबर 2018 का वो इंसिडेंट, आप खुद ही बताइए सर क्या हुआ था और कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि लोग तो मूवीज में देखते हैं कि कोई ऑपरेशन हो रहा है या ये हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो एक हर एक ऑफिसर भी एक इंसान है। जैसे सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई कहता है मुझे डर नहीं लगता है, इधर ही इज डेड और ही इज बोर्ड, तो मतलब तो वही चीज है कि डर तो सबको लगता है, बट हाउ एज एन ऑफिसर, एज समवन हु हैज सो मेनी सक्सेसफुल ऑपरेशंस टू योर क्रेडिट, हाउ डू यू काउंटर फेयर और इन ऑपरेशंस में उसमें तो ये बहुत जरूरी है कि डर आपको लग पड़े। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, आपको ऑपरेशन आपके पास दो तरह के आप एक वो होते हैं जिनके आप मेहनत करके बिल्डअप करते हैं, जिसमें आपको मोटा मोटा ये आइडिया होता है कि आज आप किससे दवा लेने जा रहे हो, एक वो नॉन ऑपरेशन होता है। दूसरा एक वो ऑपरेशन होता है जो और सब आपके लिए आ जाता है, ऐसी सिचुएशन ये दो तरह की सिचुएशन होती है। अब अगर डेथ की बात करें तो स्पोर्ट के लिए आप किसी कंपनी जैसी प्रोसेस पे जा रहे हैं, और जब आप जा रहे हैं तो आपका बाप के अंदर अगर डर है तो फिर आप जाएंगे कैसे, ठीक है। और दूसरी स्टेज आ जाती है कि जब आप वहां पहुंच गए हैं, जब आप एनिमी के फेस ऑफ और आप आमने सामने हैं, तो तब आप डरे, या तीसरी स्टेज आती है जब ऑपरेशन कंक्लूड हो जाए तो तब आप। तो मैं बताता हूँ कि
मेरे केस में ये है तीसरी स्टेज, जब आप ऑपरेशन प्लान कर रहे होते हैं कहीं निकल रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे जरूरी चीज होती है आपसे भी बनकर आपकी जो टीम होती है एज ए टीम लीडर के आपको उन सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रहेगा। और जब आप ऑपरेशन में हो जाते हैं जब फायर स्पाई शुरू हो जाती है तो उस समय तो आपके पास वक्त ही नहीं है सब सोचने का। और जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है विद द डिलीजेंस ऑफ ऑफ योर टीम लीडर्स विद द contribution of half your team members and of course by the grace of God also, तो उसके बाद अगर आप जब बैठे तो आपको ये realize हो कि आज आपने क्या किया था, तो उस stage में जब आप सुनते हैं तो वो डर लगता है कि आज आपने क्या किया था। सर आपकी बात से मैं अभी भी आपको फ्रेंड कर रहा हूँ, अजीत डोभाल साहब की एक पॉपुलर स्टेटमेंट है कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे डर ऑपरेशन से पहले ही लगता है, जैसे आपने कहा जो ऑपरेशन हो गया मैं क्या करके आ गया, तो वो वाली फीलिंग मतलब इट्स goes across the, you know, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करेगा कि then again, जब आप ये सब करने के बाद सोचते हो कि आप क्या करके आए तो डर लगता है, but again, every situation will give you the expertise to take it to the next level. आपसे skills अगर मैं आंसर दे रहा हूँ तो फिर आप आगे जाके शायद उससे एक बड़े मैदान का जो है वो इस मेरे के लिए सर्च होते हैं सर शोल्डर पर सर जी तो सर वो नगरों का तो काम को मैंने 10 तारीख को ज्वाइन करा था 10 सितंबर 2018 यहाँ आया था नगरोटा में जम्मू में, तो ऑल सडन आपको लगते है कि नहीं आप सिटी में आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, बट तो मुझे आज ही याद है 12 सितंबर की वो सुबह जब मुझे मेरे ऑपरेशन चीफ जो किसी ने पता है जैसे तो मुझे पता लगा वहाँ पे फायर हुआ रश करा अपने जाके और कुछ स्पॉट पे जाके देखा तो वहाँ मुझे थोड़ा था नीचे बात चली सब चीज़ें मैंने कहा था कि तीन टेररिस्ट जो नीचे जंगल में मिल गई ठीक है अपनी सुबह 12 सितंबर की क्योंकि यही दिन थे ऑलमोस्ट और बरसात का महीना होता है आपको पता है गाड़ियाँ सब कुछ पता और पूरी उसे पूरा दिन सब चलता रहा सब जर्म्स की कोशिश का एंड नेक्स्ट डे 11:30 अराउंड 11:30 की राज्यपाल फ्रॉम जो धीरती एरिया था इसका जो डिस्ट्रिक्ट रियासी होता है हमें इसका जॉनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट जनरल तो वहाँ पता चला कि वो किसी लेवल में वहाँ तो सारी पार्टी रश करी इंडिया दे दिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ था हिमालय के किनारे एंड फाइट फाइट शुरू हो गई फाइट फाइट युद्ध हो गया देन जिस एरिया में हम लगे थे क्योंकि ये जंग फोर्सेज लगी हुई थी आपके साथ स्कॉर्पियंस थी आपके साथ आर्मी थी स्पेशल फोर्सेज इन ब्लैक तो उसके बाद कुछ नहीं है सोशल मीडिया में भी एकदम से मिल जाती है कि ऑफिसर हुआ है कितना हुआ है कैसे हुआ है
नो बड़ी मोस, और आपकी जो फैमिली होती है पीछे उनके लिए वो पल कैसे होते हैं, और आपके लिए भी वो पल कैसा होता है कि आपको पता नहीं होता आप कितने आपके जहन में शोक क्या चल रहा है? मेरे जहन में टीवी वेरी ऑन है, उस समय मेरी छोटी बच्ची थी, शी वाज जस्ट वो भी 2-2.5 साल की थी, और मेरे दिमाग में सबसे पहले तो वही है। एंड बट ऑल थिंग्स टू माता वैष्णो देवी, वो भी सामने थे। एंड जैसे आपने पहले बताया कि कुछ प्लान ऑपरेशन होते हैं, कुछ सडन ऑपरेशन होते हैं, तो ये एक ऐसा एक सडन ऑपरेशन था जहाँ पे मोहन शर्मा जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी भी परवाह ना करते हुए उनको यूटिलाइज किया। और आपके टेन्योर में हाईवे स्टेशन तो वहाँ पे किस तरह के क्राइम जो आपको ज्यादा जो पाए जाते हैं? हाईवे स्टेशन है और बड़े सारे आपने कहा जैसे इंटरनेशनल एलिमेंट्स का भी मूवमेंट है, इसके अलावा किस तरह के क्राइम्स आपने देखे और आपने किस तरह के अभियान जैसे पूर्व में आपको काफी इनिशिएटिव दिए थे, तो वहाँ किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखिए जब आपको अपने ज्वाइन करते हर डे एक डिसलाइक सिचुएशन मिले तो आप उस सिचुएशन को दोस्त सीख जाते। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेशन की ऑब्वियसली फिर काउंटर टेररिज्म रहेगी, एंड सेकेंडली बिकॉज नरेंद्र जो था वो गेटवे था जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, और इन एनी केस फॉर एंट्री एज वेल एज द एग्जिट ऑल्सो, तो उसको जो नाका सिस्टम था वहाँ पे उसको ज़्यादा गाइडेंस एंड डायरेक्शन सीनियर ऑफिसर्स उसको ज्यादा हमने इफेक्टिव बनाया बाय पुटिंग द मोस्ट एंड बाय पुटिंग मोर गाइडेंस। एंड उसको मैं अगर आपको बताऊँ कि इन 2019 ऑल्सो द 31st of January इसके अलावा वहाँ पे डिफेंस जैसे मैंने आपको कहा गेट वे थी, वहाँ पे बहुत सारा काम जो था वो ड्रग्स पे हुआ, इन डिफेंस कैंपेन जो थी वो वहाँ पे बहुत इफेक्टिव रही, जितनी भी गाड़ी वैली से आती थी और जो जम्मू से होते हुए बाहर चले गए थे, हाँ तो मुझे लगता है ऑल टाइम हाई जो है वो रिकवरीज रही होंगी ड्रग्स की वहाँ पे दैट टाइम। एंड जब वो एक और चीज़ जो वहाँ पे काम करने की होती वो थी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, क्योंकि उसको लॉस ऑफ फिशेस नाउस उसको आप निगेट नहीं कर सकते। एंड वो भी अगर आप किसी भी अगर यहाँ का अगर मुझे लगता है आप स्टैट बताएंगे फाइन जो नंबर ऑफ डेथ्स है अगर इसकी बात करें एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा हिस्सा है, तो उसको जो वहाँ पे कुछ ग्रे स्पॉट्स थे जिनको आइडेंटिफाई कराया गया है, थिंग्स वो टेकन केयर ऑफ। जैसे मैं हाईवे था तो लोगों को वो रॉन्ग एंट्रीज में लेते थे, तो ऑब्वियसली एक बंदा आ रहा है वो नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आगे से बंदा रॉन्ग चीजों को टेकन केयर करा, वी वर एबल टू सेव सम पेशेंट ऑन दिस पैकअप। जो भी करे बस और आप बात कर रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस सारी नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस का हर एक वो जवान जो मेरे स्पेशल पुलिस ऑफिसर से लेके ऊपर तक है उसका कंट्रीब्यूशन है इसमें, और वही मैं हम ताकत दी है। वी आर प्राउड ऑफ दी जम्मू कश्मीर पुलिस जो मतलब इतनी परिपक्व है अपनी रिस्पांसिबिलिटी को लेके, काउंटर टेररिज्म से लेके, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने में बहुत सारे जो इनिशिएटिव लेती है कम्युनिटी पुलिसिंग को भी लेते हैं। वी आर ऑल एज सिटीजंस दिस कंट्री एंड विद दिस स्टेट वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर द सर्विस ऑफ द पुलिस। सर इसके बाद आप कश्मीर जब आप गए, कश्मीर से पहले जो थे आपको
तो कश्मीर का एक्सपीरियंस था रास्ते मगर में इतने साल में कभी आई वुड पोस्ट टू कश्मीर या वहाँ के असुविधा से मेरा भी गलत हुआ था इसको फॉर सो मेनी रीजन से वो कार्गो भी खत्म हो पाया आपने कहा कि किसी भी बच्चे को जब स्कूल में भी अगर उसकी एफर्ट्स के लिए अगर तो वो उसमें स्पेशल हाँ तो वो मोटिवेशन भी आपने है और आप इंकरेजमेंट भी सो 14 आप वैसे ये साइटेशन और रात के 9:30 बजे की बात है अगर एक सीट मिला ताकि लाइकली मूवमेंट है टेररिस्ट का जो सिक्योरिटी फोर्सेज को डार्क कर सकते हैं उसके चलते हुए हमारी एक स्मॉल टीम जिसको उन्होंने बीत कराया वही टीम के लिए एक सप्ताह के लिए उन्होंने एक नाट्य एस्टैब्लिश करा था तो उन्हें जो सरप्राइज है उसे बट सम हाउ जो टेररिस्ट थे उनको नाटे का पता लगा एंड ये जो फर्स्ट फायर फाइटिंग वो टेररिस्ट की तरफ से काम हुआ उन्होंने फायरिंग करा ये लोग एंड मेरे साथ साथ मेरे जो जवान थे मेरे टीम में से उनको भी स्क्रीन पर रिलीज हुई थी तो उसमें जब रिटेलिएट करा गया पार्टी में तो उसमें एक पैरिस जो है मैं ब्लाउज से जाता लेकिन दूसरा जो है कि थोड़ा बात थी आदमी ओपन इंजर्ड तो उसने एक जो सीमेंट का स्ट्रक्चर होता है उसके पीछे आग लगी हुई थी तो इसके एक साइड हमारा सीआरपीएफ का कैंप था और दूसरी साइड एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो आप इंजर्ड हो आपके जवान भी इंजर्ड हैं लेकिन आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा भी चुके हैं तो जो हॉस्पिटल साथ में है वहाँ हॉस्पिटल सिचुएशन रखें कि ये वो पल होते हैं जब आपको ट्रेनिंग सिखाया जाता है कि आपकी जान जो है बाकियों की जान एक बात है तो आपको दूसरों की सेफ्टी के लिए और दूसरों की लाइफ जिंदगी की जान की रक्षा के लिए हिफाजत के लिए वो प्रायोरिटी बनती है आपकी इन दैट सिचुएशंस आपने जो टीम थी उनको दोबारा से संगठित किया कि अभी ये वो पल आया है जब इससे पहले कि ये वहाँ घुसे इसको यूटिलाइज कर हमने रिटेलिएट किया पहले चेक आउट किया थोड़ा सा एंड उसमें एक फायर जी नहीं ये गर्मी का एक मौसम आता था सड़क के कहना शाम का टाइम था कि उसमें ट्रैफिक जो है कम हो जाता है और उस वजह से विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज रूबी सर पेरिस का बोले भी मैं किया था थैंक यू सर आई मीन राइटली एक ऑस्ट्रेलिया सिचुएशन के भी रिलेन किया गया उस तरह से एक कोलैटरल डैमेज भी नहीं हुआ तो दीज आर द थिंग्स मोमेंट में जो पेशेंट चल रहे होते हैं बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं कि कई बार हम पेशेंट्स में वी यूज आर मेन ऑफ सर यू ऐसे ये बात करना भी एक बड़ा आपको हमें तकलीफ दे रहा है सोच के बट उसमें किस तरह की भावनाएं आपके अंदर जब आप एक अपने फेलो कॉम्रेड को लूज करते हो जो रिएक्शन जैसे मैंने आपको पहले कहा था सबसे बड़ी जो सहायता होता है अपने अपने टीम को उनकी सेफ्टी तो वहाँ दो इंसिडेंट है एक इंसिडेंट मेरे रहते हुए जो टीम मेरे का अमर शहीद सेलेक्शन ब्रेक पहुंचे वाला सर इलाका आदमी शौर्य सेंटर वो मेरी टीम का पार्ट था हम लोग उसी महीने वो लॉन्च हो रहे थे और वो बर्थडे गया था हम लोग हॉस्पिटल थोड़ा में जब आप पता लग करते थे आपको पता लगता है कि अपनी बच्ची को दूसरे शो में जा रहा था उस टाइम टेरिस ने उस पर अटैक करा एंड बच्ची को भी उसमें बनी तो वही सिचुएशन होती है जो आपको जी कॉन्फिडेंट बर्थ लेकिन
यस जब मैंने फैमिली को फेस किया बच्ची को फिगर की गई वेरी अटैच टू द फादर तो फैमिली जब पूछा कि हमने आपके हवाले कर वो आपके समय आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं होता तो क्या कहते हैं मोर डिफिकल्ट सिचुएशन किसी भी टीम के लिए कि आपने टीम मेंबर को बुलाऊं। और दूसरा एक इंसिडेंट है मेरे साथ ही मेरा बैगिंग था अपना शहीद और मेरे पोस्ट आउट होने के बाद वही ड्रेम का कंटेन वही है कि आपके लिए सबसे ये दुखद घड़ी होती है और प्रेरणा वाली भी घड़ी होती है कि आप कैसे इन सब सिचुएशंस के बाद भी अपने आप को उभारते हैं क्योंकि वो एक अपना एक्शन मैं इसके लिए पढ़ूंगा इस पे बड़ा सूख भी बैठता है कि लोहा जितना जलता है उतनी ही ताकत रहता है सोने को जितनी आग मिले वो उतना पत्थर निकलता है और सूरज जैसा बना है तो सूरज जितना जलना होगा नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो ये वो चीजें हैं आपको सारी चीजें अपने अंदर अपने सारे जो भावनाओं को अपने सीने के अंदर दफन रखते हुए फिर खड़े होना होता है इनमें सिचुएशंस के लिए। ये कुछ पल होते हैं जो आंखों को भी नम करते हैं और भावनाओं को भी इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है बट फील करने के लिए बहुत कुछ है। वी सैल्यूट द सैक्रिफाइसेस ऑफ दोस ग्रेट हीरोज ग्रेट वॉरियर्स सब पर ऐसे क्षणों में एक बार न्यूज में देयर वाज दिस जर्नलिस्ट विल नॉट नेम द जर्नलिस्ट है हु सेड दैट जवान शहीद तो होते रहते हैं और उनको तो सैलरी मिलती है उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो अपनी जान की दाव पे लगा के वो हम सेफ बैठ के आज इंटरव्यू करवा रहे हैं क्योंकि कोई बॉर्डर पर बैठा है जिस वजह से हम चेक और इस तरह के इनसेंसिटिव कमेंट्स आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के चलो ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत राय है उनकी तो ईश्वर भी कुछ सद्गुरु दे मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप ये एक पक्की बात है कि आपको ट्रेन किया जाता है हर एक सिचुएशन के लिए पर कभी भी आपको ये नहीं बोला जाता कि आपने किसी जगह जाकर सुख हो गया आपको यही बोला जाता है कि आपने हर एक रंग को छिटके आना था और ये पक्की बात है कि उस जीत के लिए अगर आपको अपना सर सब निशावर करना पड़े तो वो आपने अपनी माता बोलने के लिए करना तो ये एक फीलिंग्स होती है ये निष्ठा होती है जो हर एक सैनिक हर वो वर्दी वर्दीधारी जिसने वर्दी पहनी है उसको ये पता होता है जिसने वर्दी पहनता है और उसको शायद किसी मोड़ पे जाके इस सिचुएशन से गुजरना तिरंगे के लिए तो कुछ भी करने के लिए इंसान हमेशा तैयार ही रहता है। तो सर हमने आपका इलस्ट्रियस पुलिस करियर देखा किस तरह से आपने इतनी जाबाजी से इतने आपने ऑपरेशन टेररिस्ट को भी न्यूट्रलाइज किया और कैजुअलिटीज को भी कलेक्टेड डैमेजेस को भी अवॉइड किया और किस तरह से अपने जवानों की भी सेफ्टी के लिए आपने ध्यान रखा। सर हम थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ चलेंगे तो फॉर द ऑडियंस जो हम से बिलोंग नहीं करते जे एंड के से बाहर के ऑडियंस के लिए सर प्लीज टेल अस आप कहाँ से आते हैं प्लीज टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स और बचपन में आप किस तरह के छात्र थे। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से एक गांव है चिनार पे किनारे सटा हुआ है जेड़ी करके गांव अभी पंचायत भी है ये और मेरा मैं वहीं पे मेरा जन्म हुआ है और मेरी स्कूलिंग गांव की जो प्राइमरी स्कूल है प्राइमरी स्कूलिंग वहीं पे हुई देन फॉर टेंथ मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कटार है जो काफी दिन में पढ़ता है आजकल हायर सेकेंडरी हो गया तो मैंने अपना मैट्रिक वहाँ से करा एंड देन फॉर सीनियर सेकेंडरी मैंने बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी में ज्वाइन करा और उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जर्मनी में आया एंड पी जी जो मैंने अपनी जर्मनी यूनिवर्सिटी से करी लाइसेंस की। तो जहाँ तक मेरा फैमिली का सवाल है तो फादर आदमी थे फिर से किसी मुकाम पर पहुँचा पेरेंट्स जिन्होंने अपनी सारी खुशियों का त्याग देख के जो है वो मेरे पे निशावर करी है और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपसे आने की बात कर रहा हूँ और आपने कहा कि मैं बचपन में कैसा छात्र था तो बिल्कुल मैं डोकला बिल्कुल मैं जाकर
एंड ऐसे बहुत ज्यादा किस तरह की कोई शरारत जो आपको याद है, जैसे मैं दोस्तों के साथ कोई ऐसा किस्सा याद हो यार। मैं पहले सिंपल से आपको बताता हूँ कि हमारा जो गांव से निकल के स्कूल जाने का रास्ता है वो उसके बीच में कभी पड़ती थी, आज तो उसके माशाल्लाह ब्रिज बन गया है, उस समय नहीं होता था। तो बरसात के दिनों में जब निकलते थे स्कूल जाने के लिए तो पानी आपको कमर के ऊपर तक खिंचता होता था, तो जब आपको कमर के ऊपर तक पानी आ गए थे ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट होते कि हो सकता है एक हफ्ते में हम तीन ही दिन स्कूल पहुंचे, चार दिन नदी में नहाते थे। तो एक दिन वो घर वालों को पता चल गया, उन्होंने कंप्लेन की तो स्कूल से पिटाई हो गई, तो उसके बाद वो चीजें छोड़ी। ये सारी चीजें थी जब करते थे। और दोस्तों के साथ कैसा क्रिकेट वगैरह? हाँ, उस समय कबड्डी बड़ी फेमस थी और क्रिकेट तो भाई वो गांव में जो खेल होते हैं गिल्ली डंडे का बहुत खेल होता था, वो थोड़ा सा रिस्की होता था कि किसी आंख आंख में लग जाए, वो सारी होती थी शरारतें बहुत थी। अपने मेरे से बड़े ब्रदर हैं, मैं उनके साथ भी शरारतें कर देता था। छोटे बच्चे को होता है कि जैसे आप अपनी मिठाई बजा के दूसरे की खा लेते हो, तो वो तो सबके और फिर जैसे आप उसके बाद बचपन से ही पुलिस में आना चाहते थे आप? देखिए क्योंकि गली में फादर आर्मी में थे और यूनिफॉर्म का जो क्रेज था वो आपको, एक बच्चा अपने बाप से बहुत मुतासर होता है और सेमिनर क्रेज में भी मैंने अपने पापा को आज जब मेरा जन्म हुआ वो हम इसमें इनको 1979 की गाल में जुड़ी हुई थी, बहुत टेंशन में लगे थे फर्स्ट ईयर उनकी वो एल्बम जिसको वो बड़े प्राइड के साथ देख देख के बड़े हुए। और यस, मैंने इससे पहले कोशिश करी कि अपने सीरियस के फिल्म गाड़ी बनते हैं इलाहाबाद, देखो तो ठीक था मैं रायगढ़ में चांस जब पीएससी में जब मुझे यहाँ जम्मू कश्मीर पीएससी में जब एडवर्टीजमेंट आई तो उसमें पोस्ट निकली थी, तो हमारे में तीन ऑप्शन होते हैं पुलिस सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज। पुलिस वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, इंस्पेक्टर पोजीशन ऑफर। सो वी कैन सी दैट, ओके, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड देयर सर। एंड देन सर जैसे पुलिस में चले गए, फिर ट्रेनिंग में जब वो सिलेक्शन हुआ वो मोमेंट कैसा था जब ट्रेनिंग गए? वो ट्रेनिंग का कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कि ओवरकम योर मेंटल फियर्स, क्योंकि ट्रेनिंग में आपके लिवर्स को टेस्ट किया जाता है। मेरी लाइफ के लिए वो मुझे याद में याद है 6 जनवरी 2000 थी, मेरी लाइफ का सबसे मैं इसको वहाँ पे सैडेस्ट पार्टी बनता हूँ बिकॉज आई लास्ट में पापा बैठे, तो वो कॉलेज काम कर रहा है। चूँकि आप जैसे मैंने कहा कि फादर जब सिर पे होता है तो तब आसमान के तारे भी आपको लगता है कि आप कम नहीं पकड़ सकते, जिसको नहीं होता है तो फिर आपको ये लगता है कि जुगलू को भी पकड़ना शायद आपको नामुमकिन रहता है। तो जो आप फियर की बात कर रहे हैं वो चीज़ें, वो जो स्ट्रेस है, वो एंग्जाइटी है एंड वो जो स्ट्रगल है दैट आई फील इज इन माय कॉलेज फियर। तो फिर कॉलेज के बाद जब पीजी में एडमिशन लिया तो जैसे आपकी खास कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं और वैसा फ्रेंड सर्कल मिला जिनकी बदौलत है, जिनकी वजह से ऑब्वियसली जिनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन चाहिए एंड सबसे ज़्यादा मेरी मदर की, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, वो भी आज मेरे साथ नहीं। और फादर के बाद उन्होंने कभी इस चीज़ का एहसास नहीं मोह लिया कि फादर नहीं है, तो उनका बड़ा जो गाँव रहा है मेरे यहाँ तक पहुँचाने में। और ट्रेनिंग पे आते हैं ना, ट्रेनिंग पार्ट पे ट्रेनिंग पार्ट हर एक अकेडमी का मुझे लगता है मोरल या सेम ही होता है, और वो आपको मेंटली तोड़ते हैं पहले, और क्योंकि उनको लगता है कि तोड़ने के बाद ही सर 5 बजे से लेकर, तो मुझे याद है कि वो सुबह का सारा आउटडोर करके जब हम क्लासेस में पहुंचते थे तो जबरदस्ती जगाया जाता था, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लास से बाहर निकाला जाता था, लंच के बाद वाला क्लास तो सोने का ही होता था अभी। हाँ, मतलब वो बड़ा कंट्रोल करता है, बट मुझे लगता है 30-40% वो नींद नहीं आ पाए। और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स पे टीम संग, हां वो स्पोर्ट्स वाला इज ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता है अपनी तरफ से। हां, सो ओवरऑल जैसे आपके पोजीशन करियर की से तीन ऐसी क्वालिटी जो आपको लगता है जो आपके अंदर इंबाइब हुई, जो एक हर एक नौजवान को अपने अंदर इंबाइब करनी चाहिए, एक कहते हैं ना एक काउंसिल सिटीजन बनने के लिए, ऐसा युवा ऐसा नौजवान
देश की ताकत बनी। देखिए सबसे जरूरी चीज लाइफ में भी है और जो मुझे लगता है आपको इसने भी मुझे उसको ज्यादा सिखाया वो डिसिप्लिन लाइफ। आप फोर्स में हो चाहे नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, डिसिप्लिन आपकी जीवन की वो कड़ी है जो आपको जीना ही नहीं सिखाता बल्कि जीवन में आगे बढ़ना भी सिखाता। और जो दूसरी चीज मैंने जो मुझे लगता है वो है कि आप आपके अंदर जो बर्दाश्त हुआ वो आप कितना छोटी छोटी चीजों के लिए रिएक्ट करने में मुझे लगता है वो आप सीखते हैं नई सारी सिचुएशन में। आपको लगता है कि आप उस चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन स्टिल आपको पता है कि यू आर बाउंड बाय सर्टेन रेगुलेशंस एंड सर्टेन रूल्स। मुझे लगता है वो चीज़ जो है वो पुलिस में वो आपको सिखाई जाती है शायद जैसे आप कह रहे ट्रेनिंग के हार्ड पार्ट्स तो आपको लगता है कि ये नहीं होगा तो आपको क्या आ जाता है वो आपको सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक हुआ कि आपको कभी भी जो है वो कोप नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जो इंसान काम करता रहता है अपने आप को कंसिस्टेंट रहता है वही लाइफ में आगे जाके सक्सेस पाता है। और इसके लिए हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी अच्छी पंक्ति है अगर आप चाहेंगे तो पढ़ी जाएंगे के असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफल जब तक ना हो नीम चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इफ देयर इज फ्रेडरिक नीचे इज अ वेरी पॉपुलर फिलोसोफर उन्होंने एक बात कही है कि इफ वी हैव अ व्हाई टू लिव फॉर वी विल एंड्योर एनी हाउ। अगर हमारे जीने का व्हाई है हमारे पास तो कोई भी परिस्थिति को हम किसी भी तरह से हम उसको हम झेल जाते हैं और बर्दाश्त करना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि बर्दाश्त करने की बात है यूथ की अगर से बात करें तो यूथ आजकल एंजाइटी में डिप्रेशन में और एक मानसिकता थोड़ी सी उनकी खराब हो चुकी है तो उस यूथ को वापस से मतलब ये डिप्रेशन से उसको कैसे वो डील करें। एजुकेशन को समझना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरे फ्रेंड थे वो अभी सेटल इन अमेरिका ग्रीन कार्ड है उसके मास्टर्स डिग्री मिल गया एक चीज़ हमें कही देता हूँ ग्रेजुएशन में थे कि बेटा ग्रेजुएशन बहुत लोग करते हैं लेकिन ग्रेजुएट को नहीं करता तो एजुकेशन का साथ समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जब हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो हम एक सर्विस ओरिएंटेड होते जाते हैं। लाइफ में कोई भी चीज़ आपको लगता है कि कोई एक दरवाजा बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी जो है वो रुक गई है। और दूसरा आपने जो कहा कि एंग्जाइटी जो बढ़ रही है मुझे लगता है आपको अपने रोज के शेड्यूल में ऐसे जरूर कुछ पल होने चाहिए जो आपने यहाँ पर देने चाहिए आप अपने आप को एक्सप्लोर करें बाहर बैठे ग्राउंड में जाए। जैसे हम गांव और शहरों की बात करते हैं तो बड़ी सारी चीजें हैं आप नेचर में बहुत कुछ है जो आप जाएंगे तो आपको हील करता है आप अपने आप को बदलेंगे तो चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली उन बदलाव आने शुरू करेगा एटीट्यूड में बदलाव करेंगे तो चीजें आपको मुझे लगता है अलग नजर से आप उनको देख पाएंगे। और बाकी उनके लिए दो लाइनें हैं मेरे मेरे पास के पे पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो और राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें रास्ते आवाज देंगे सफर जारी रखो। तो साथ में अगर हम बात करें लाइफ का से एंड गोल क्या है लाइफ का पर्पस क्या है क्या मानते हैं आपका लाइफ का पर्पस क्या है आपको क्या लगता है हमारा दृष्टिकोण हमारी जिंदगी को डिफाइन करता है एंड एंड गोल सक्सेस मिल जाती है हमें दुनियावी जिंदगी में हम कुछ बन जाते हैं एक अच्छी लाइफ जी लेते हैं बट पीस कहीं ना कहीं मिसिंग है तो आप क्या समझते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। वैसे तो ही मुझे लगता है कि हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होगा बट मुझे लगता है कि जनरलाइज चलना है कंटेंटमेंट। अगर आपको कंटेंटमेंट है सेटिस्फेक्शन है वो आपको जिस चीज़ में अगर वो मिल गई है या मिल रही है तो मुझे लगता है कि
this should be the end, but लेकिन उसका लेवल किसके लिए क्या होगा वो बहुत डिफरेंट चीज है. बाकी लाइफ ये फिलोसफर भी कहते हैं और आपने भी देखा होगा इन्होंने हमें यहाँ लाया जो हमारे साथ में, तो ये टेम्पररी स्टेज है मेरे हिसाब से. यहाँ पे हर एक इंसान को अपना अपना पार्ट प्ले करना है और चलते रहेंगे, बट कोशिश करिएगा कि आपका वो पार्ट सोसाइटी के किसी काम आ जाए और लोग आपको ऐसे ही किसी जगह बैठ के फिर डिस्कस करें, आप डिस्कशन का पार्ट बने, किसी अच्छी डिस्कशन का पार्ट. मेरे हिसाब से ये मेरी लाइफ का ये मोटिव है. बिल्कुल सर, आई थिंक ये बिल्कुल सही बात की आप तो जैसे अब्दुल कलाम थे हमारे जो इतने लेजेंडरी प्रेसिडेंट रहे हैं, मिसाइल मैन रहे हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने यही कहा कि स्काई इज नॉट द लिमिट, इट इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर वास्ट यू नो अपॉर्चुनिटी जो देश के लिए वेट कर रही है. और आने वाला जो 20-25-30 साल है हमारे देश के लिए, मुझे लगता है इंस्पिरेशन लीडर्स लाइक यू, यूथ हैज द गाइडिंग लाइट एंड इफ दे फॉलो आप जो कार्यशील आदमी होता है वही प्रगतिशील होता है. कार्यरत रहिए, कोई भी चैलेंज जो होता है, कोई भी आपका ऑब्स्टेकल जो है वो इतना बड़ा नहीं होता कि आपको जिंदगी में नकारा ही बना दे. ये एक टेम्पररी फेज होता है. स्ट्रगल संघर्ष हर एक इंसान को लाइफ में आता है और संघर्ष ही आपको बड़े इम्तिहान के लिए तैयार करता है. तो संघर्षों से कभी आपको मन नहीं लेना है, मन ही लेना है और आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए. आपने आप मैं पूरा मुझे पूरी उम्मीद है इसमें पूरा इसमें कॉन्फिडेंस होगी आपके लाइफ में कि वो जो है वो जो आप चाहते हैं आपके अच्छे के लिए जो होगा वो आपको मिलेगा. तो ये बात है सर, आपके इस मैसेज को अगर एक शेयर के जरिए मैं एक्सप्रेस करूं तो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर ही इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक देखोगे. आई थिंक यूथ अगर इस पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेगा डेफिनेटली ये एक उनके लिए इंस्पिरेशन होगा. सर आपका जैसे आपको जब शौर्य चक्र मिला था सर, तो ये हमारे लिए तो गौरव की बात थी, लेकिन वो आपके लिए पर्सनली जब प्रेसिडेंट से एक अवार्ड लेना सर, इट्स डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट. वो आपकी फैमिली का वहां प्रेजेंट होना, वो एक एक्सपीरियंस, इफ यू कैन रिकॉल दैट फॉर अस. देखिए एक्चुअली वेरी ऑनेस्ट, जब आप वहाँ खड़े होते तो सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही होती हैं कि मुझे लगता है आप उनको वेरी डिफिकल्ट जो वर्ड्स बट डेफिनेट से वो तो पन वैसे के वो वैसे क्षण हैं. आप बड़ा गौरवशाली अपने आप को महसूस करते हैं अपने आप में, और जैसे मैंने कहा था कि एक्नॉलेजमेंट जो आपकी होती है उसमें आपको लगता है कि ये एक्नॉलेजमेंट है. ये अवार्ड जो है मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल अवार्ड नहीं है, कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का अवार्ड है जो सागा ऑफ सेक्रीफाइस है. उसमें उन दिनों ऐसे रिवॉर्ड हैं और लेकिन आपके लिए गर्व की बात ये होती है कि मुझसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीजन ऑफ स्माइल हो, रीजन ऑफ मेंशन हो, एंड बड़ी अच्छी फीलिंग डेफिनेटली. आप बहुत प्राउड फील करते हो एंड उससे भी ज़्यादा भी मुझे खुशी थी कि मेरी डॉटर मेरे को देख रही थी, माई फैमिली वर्क देख रही है. तो जो डॉटर फादर को देख के जब क्लैप कर रही है तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है. सर दूसरे आपके डॉटर भी उन सब आप काफ़ी प्राउड हैं और वेरी प्राउड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. उसमें आपने बहुत सारी अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, अपनी यूथ को लेकर विजन को शेयर किया और पुलिसिंग से किस तरह से हम समाज में चेंज ला रहे हैं. सर एक कंक्लूड करने से पहले अपने सारे जो पुलिस पर्सनल है जम्मू कश्मीर पुलिस के उनके लिए भी दो शब्द तो डोगरी सर हो अगर डोगरी से अपनी वर्ड्स हो अगर लाइनों में बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मेरे पास दो लाइन है ये सब के लिए है कि ये तेरे माथे का अशोक ये तेरे माथे का अशोक केवल तुझ पर ही शोभित है, ये नहीं सहज होता किसको केवल तुझ पर ही आरोहित है. और
त्योहार जलाता है सैनिक सैनिक सब दीवाले, तब दिए खुशी के जलते हैं, तजते हैं खुशियां सब अपने, ये भी सैनिक और बंदी वाले हैं, तब ईद मुहर्रम पाते। ये थे हमारे साथ मोहन शर्मा जी, शौर्य चक्र अवार्डी एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, हु शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस, विविड एक्सपीरियंसेस ऑफ काउंटर टेररिज्म, ऑफ हिज पर्सनल विक्ट्रीज फ्रॉम सिचुएशंस दैट मे सीम इनसरमाउंटेबल टू ऑल ऑफ अस, एंड हाउ ही वांट्स द यूथ टू नॉट गिव अप ऑन फेलियर्स एंड राइज अप एवरी टाइम दे फॉल। एंड आई होप जो व्यू देख रहा होगा इनके एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ में अगर कुछ चीजों को उतारेगा, डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। इट इज मी नवजोत सिंह, द होस्ट फॉर द शो, साइनिंग ऑफ एंड वी विल सी यू इन अनदर एपिसोड विद अनदर वंडरफुल चैंपियन। अंटिल देन, इट्स अ थैंक यू सो मच, जय हिंद।